तो गाइस कैसे हैं आप सब? सब खैरियत? तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, हमको जुकाम पकड़ लिया है। और आप लोगों से एक शिकायत है कि मेरा चैनल को आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी हम आए को इंजन को देखने के लिए, इसका फ़ोन गया था मेरे पास। पहले हम रेंज को उठा लेते हैं। बाप रे, 20-25 किलो वजन होगा ये। अब उतरते हैं हम इस खेत में नीचे, देख रहे हैं ना पूरा। अभी तो कीचड़ कम है क्योंकि पानी उनी इंजन ख़राब है, इस वजह से खेत में पानी नहीं पड़ा है, तो पूरा कीचड़ होता है। अब चल रहे हैं हम इन पगडंडियों में, जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है इस इंजन में। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। हम अपना डेली ब्लॉग डालते हैं, हमसे भी घटिया घटिया ब्लॉग डालता है आदमी, पर देखते हैं उसका चलता है कंटेंट। कंटेंट क्या है माने, डेली ब्लॉग जो हम काम करते हैं उसका वीडियो डालते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या बढ़िया प्लेस होता है उसका डालते हैं। आप लोग उसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते। डेली 2 घंटा हम यूट्यूब पर, हमसे जो सीनियर है हम उसका वीडियो देखते हैं, जो हमसे जूनियर है उसका भी वीडियो हम देखते हैं, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम क्या कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ अच्छा हो रहा है। तो रास्ता बहुत ख़राब है, गिरने का डर रहेगा। दिखाते हैं, देखिए ये नाला है, नाला पे हम जा रहे हैं। थोड़ा सा मिस होगा, पैर नीचे स्लिप हो जाएगा और सांस फूल रहा है मेरा, क्योंकि ये पूरा लोहे का चाबी होता है, इसमें 20-25 किलो वजन होता है। आ गए हैं हम इंजन के पास, बट कोई यहाँ है नहीं, अभी तक आया नहीं। इंजन तो खुला हुआ है, इंजन तो है यहाँ खुला हुआ, देखिए खुला हुआ है इंजन। यार जुकाम हो गया हमको, यार सर्दी जुकाम से परेशान हो गया हम। और अफसोस इस बात का है कि मेहनत इतना करते हैं उस पर भी चैनल नहीं चल रहा है मेरा, इधर सब्सक्राइबर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, इस पर होगा, हम इसके विषय में बताए थे। ये जो पीछे देख रहे हैं बांस के बत्ती से घिरा हुआ ये बगान है, और लगभग 3-4 एकड़ में बना हुआ है। तो इसके विषय हम बताए हैं, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा उसमें, कि बिहार सरकार की तरफ से ये एक वन विभाग का ये हुआ है कि आप अगर आपके पास पुराना कोई बगान है आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, या फिर कोई प्लॉट खाली है जो कम इस्तेमाल होता है आप उसमें बगान अगर लगाते हैं तो सारा मेंटेनेंस खर्च, ये बोरवेल का और इसका सारा खर्च आपको बिहार सरकार देगी, और पर मंथ 3,000 रुपया शायद उसका मिलता है। फुल्ली कंफर्म नहीं है कि 2,000 है या 3,000 है, बट पैसे मिलते हैं उसके, 2 से लेकर 2,500 से 3,000 तक मिलता है उसका, है ना। और बहुत अच्छा है, हम भी अपना प्लॉट पे लगाए हैं, उसका भी एक दिन ब्लॉग बनाएंगे, तो उसका भी आपको दिखाएंगे हम। और हरा भरा भी है, हरियाली भी है, बच्चा आ गया लगता है। क्या बाबू इतना टाइम लग गया तुमको, जल्दी आओ जल्दी आओ। आ गया, उसका बेटा आया है, वो आया नहीं है, देखते हैं कि लड़का स्टार्ट कर पाता है या हमको करना पड़ता है। स्टार्ट कर सक मैं? मार स्टार्ट मार। देखेंगे बच्चा कर पाता है या नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा बंद करेंगे, लगे उसी का इंजन है। स्टार्ट कर ही ले तू, क्या लोग करके इसको तो की लेगा ना। है बच्चे कहाँ जा? ये मनीष हल्दी का साइकिल में। और भाई स्टार्ट कर सके जो? दोनों भाई जाने, दोनों भाई जाने। गिरा दे, गिरा दे, निकल दो। ये लॉक किया हुआ है इसका हैंडल जो है, हम दिखाते हैं इसका स्टार्टिंग। मार रुके, छोड़ नहीं बेटू, मारे ना वीडियो बनी ना। दोबारा कोशिश करो,
नहीं हो पाया एंट्री, अब हम देखते हैं। सही हो चुका है, हल्का सा वीडियो में।